यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए राज्य विधि आयोग द्वारा कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सपा नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार का ये अंत है, क्योंकि ऐसा ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी और 77 में जनता ने उनका सफाया कर दिया था। जबरन नसबंदी के नाम पर कागजों में फर्जी तौर पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी नसबंदी करवाई गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा यह काम मोबिलाइजेशन से किया जा सकता है, कानून से दंडात्मक कार्रवाई होती है। जनसंख्या ना बढ़े यह सच है, जनसंख्या प्राकृतिक देन है, जनता से उन्हें प्रेम नहीं है इसलिए परिवार नहीं, लिहाजा उन्हें परिवार का दर्द नहीं पता है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्षी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना चाहती है और उसको लेकर विधि आयोग की तरफ से बैठकें भी शुरू होगी, मसौदा तैयार किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दो बच्चों से ज़्यादा जिनको होगी उनको खाद्यान्न और तमाम सारी चीज़ों में कटौती की जाएगी, जो सरकारी नौकरी में है उसमें भी कुछ कटौती की जाएगी, तो क्या समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है? सरकार का अंत है, 20 सूत्री कार्यक्रम में यही इंदिरा गांधी भी लेके आई थी और 77 में जनता ने सफाया कर दिया। जबर या नसबंदी उस समय होती थी, पेड़ पौधे पशु पक्षी की भी नसबंदी कर दी गई थी कागज में, कर्मचारी अधिकारियों को बहुत प्रताड़ित किया गया था, जनता को बहुत प्रताड़ित किया गया था, आवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा और जनता ने मारा कि साफ कर दिया, इस सरकार का भी अंत है। तो क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो सरकार के लिए ये मोबिलाइजेशन से किया जा सकता है, कानून से दंडात्मक कार्रवाई होती है जनता पर, क्योंकि अधिकारियों पर दबाव देंगे कि अपना कोटा पूरा करो, और कोटा पूरा करने के लिए जनता पर दंड का काम करेगा, जेल भेजेंगे और कुछ कार्रवाई करेगा, तो मोबिलाइजेशन से बहुत से काम जनता को मोबिलाइजेशन करके किया जा सकता है। हम दो हमारे दो, ये बहुत से नारा चल रहा है, लेकिन ये तो काफी सालों से ये नारा चल रहा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, तो समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, जबकि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें रही हैं कई बार और उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जनसंख्या न बड़े प्राकृतिक देन है, न बड़े, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए आप किसी को का जान से मार देंगे, उसको सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे, ये तो चूंकि निर्वंश माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो जो चाहे चौक कर उंगलाते, लेकिन ये काम जनता को मोबिलाइजेशन से करना चाहिए, कानून बना के नहीं। यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई बच्चा नहीं है या इसीलिए तो जनता से उनका प्रेम नहीं है, इसीलिए जनता से उनको प्रेम नहीं है। किस वजह से? इसीलिए कि परिवार विहीन है, परिवार रहता तो उनको परिवार का दर्द मालूम होता, पत्नी का दर्द।